हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे UPSSSC मंडी परिषद परीक्षा जो कल के डेट 30 मई 2019 को कंप्लीट हुई है। और दोनों शिफ्ट के एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन को, मैक्सिमम सभी क्वेश्चन को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ उसका आंसर भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और फाइनली जो हमारे बहुत बड़े सर्वे के आधार पर कल ही से कंटिन्यू चल रही है उसके आधार पर मैं इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एट लास्ट वीडियो के डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सभी क्वेश्चन याद नहीं थे, लेकिन जिनसे जितना मिल सका है वो क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस, जैसे GI टैग वगैरह से क्वेश्चन थे, लेकिन मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ क्वेश्चन पे आपके साथ में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछा गया था बादाम में जो विटामिन पाया जाता वो कौन सा था, तो विटामिन ई पाया जाता वहाँ पर। और गेहूँ का जो MSP मार्जिनल स्टैंड जो प्राइस होता है, सपोर्ट प्राइस होता है, ये इस टाइम में क्या है, तो ये 1840 रुपये हो जाएगा जो इस टाइम में। हिम तरंगणी के रचनाकार पूछा गया था, इसमें माखनलाल चतुर्भुजी इसका आंसर हो जाएगा। पूछा गया था क्वेश्चन कि असम की किस चावल को GI टैग दिया गया। फ्रेंड्स PDF के फॉर्म में मैं भी लास्ट में डिस्कस करूँगा कि मेरे PDF और वीडियो के साथ में कितना क्वेश्चन मैच किया है, आप लास्ट में देखेंगे जरूर। तो इसमें GI टैग पूछा गया, तो जो चावल का नाम बोका शोल चावल था, ठीक है। किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू कितने रुपए का मतलब इन लोगों को सपोर्ट सब्सिडी या कुछ दिया जा रहा है, तो इसको पूरा ऑलरेडी मैं पर्टिकुलर स्टार्टिंग में ही बना दिया था जब अंतरिम बजट पास हुआ था। तो 6000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना था, तो यहाँ से आप चेंज कर लियोगे। ये एक क्वेश्चन था, आई होप कि पता नहीं ये आया था कि नहीं, लेकिन कुछ बच्चों ने किया था मैसेज। दिल का मजबूत हिस्सा पूछा जाए तो ये लेफ्ट चैम्बर होता है या लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे। जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, विटामिन B और C, जो भी ऑप्शन में रहा होगा ये आपने सही कर लिया होगा। लोकसभा के लिए आयु पूछा था, न्यूनतम आयु पूछा था, तो ये होता है आपका 25 वर्ष, ठीक है, और 21 वर्ष पंचायती राज के या ग्राम पंचायत वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन भी बच्चों ने मेंशन किया था कि टोटल सीट भी पूछा था, तो फ्रेंड्स इस बार का अगर पूछा होगा तो वो केवल 542 था, क्योंकि एक सीट पे जो हुआ था वहाँ का चुनाव रद्द कर दिया गया था। लेकिन अगर टोटल पूछा होगा कितनी होती हैं तो वो 543 सही होगी। माउंट किलिमंजारो हाल ही में चर्चा रहा था, क्योंकि कई सारे जो माउंट वो एवरेस्ट पर्वतारोही होते हैं उन्होंने इसको चढ़ा, इंडिया से एक दो लोग थे, तो इसलिए ये लाइटेड था, इसको डिस्कस भी किया था मैंने करंट अफेयर्स सेशन में, तो तंजानिया इसका आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण पूछा था, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये, कुशीनगर में आस्कर अवार्ड किसको मिला था, तो अवार्ड वाले सेशन में मैंने पूरा डिस्कस किया था, तो रामी मलिक को मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफी क्वेश्चन थे। और मेंसुरेशन पत्र लेखन से तो फर्स्ट सेकेंड से दोनों शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति से मैक्सिमम क्वेश्चन थे, GI टैग से 1-2 क्वेश्चन और थे जो बच्चों ने भेजा, लेकिन सेकेंड शिफ्ट का बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं सर से। फ्रेंड्स सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने ये तो आसान से 7-7 होगा तभी विकास होगा, ये ट्रिक भी बताई थी इस पर, अभी मतलब 2-3 दिन पहले आपको वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, वीडियो भी पढ़ी देख सकते हैं आप, 5-6 मिनट का वीडियो है। इज आप डूइंग बिजनेस में बाय वर्ल्ड रैंकिंग, मतलब किसी दूसरे में व्यापार करने के लेके भारत का स्थान कितना है, तो ये 2018-19 के अकॉर्डिंग, 18 के अकॉर्डिंग पूछा था, तो फ्रेंड 2018-19 के अकॉर्डिंग 77 ही है, 77 ही है, ठीक है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था ये पूछा था, तो ये आपका डेट हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में पूछा गया था 2019 से किसने खिताब जीता है, तो नाओमी ओसाका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वामी विवेकानंद ने 1893 विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन कहां पे भाग लिया था, तो ये शिकागो हो जाएगा अमेरिका में। कार्बन की प्रशस्तता किस कोयले में सबसे अधिक पाई जाती है, सर्वाधिक होती है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका सल्फेट होता था, ये कैल्शियम खोल जाएगा, CSO4 करके होता है इसका पूरा फॉर्मूला, H2O होता है शायद। कालीन उत्पादन और निर्वातन के लिए प्रसिद्ध जिला भदोही के साथ मिर्जापुर दिया गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें मुझे मेल किया, मैसेज किया कि सर मैं दोनों ऑप्शन सही लग रहा था, लेकिन निर्यातक के साथ साथ उत्पादन दोनों में भी प्रसिद्ध जिला भदोही है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना था। नए मौसम आगमन के इसमें विरह के रूप में गाया जाने वाला, खास करके हमारे उत्तर प्रदेश से स्पेशल से क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कजरी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, बच्चों ने मैसेज नहीं किया, 1-2 बच्चे मैसेज किए थे, पूरा नहीं था वो, कि तबला वादक के रूप में बनारस घराने से क्वेश्चन पूछा था। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। न्यू एंटी टैंक के स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र से था, 4-5 नाम दिए गए थे, वो कहीं से खरीदना था, तो इंडिया में सबसे ज्यादा बने हैं, तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूरा मेंशन नहीं आया था।
भ्रष्टाचार रैंकिंग में फंस दे तो डेनमार्क हो जाएगा शायद, इसका आंसर यही पूछा था क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से रोग पूछा था तो स्कर्वी हो जाएगा, रक्त की थक्का ना जमना विटामिन के की कमी से हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा था लेकिन उसका आंसर विटामिन के ही हो जाएगा। फ्रेंड्स इंटरनेशनल लेवल से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जीआई टैग से, जैसे मैंने आपसे के साथ में डिस्कस किया, एक दो क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ जो बच्चों ने मेंशन किया, मैंने लिखने में लिखा नहीं शायद। तो एक क्वेश्चन पूछा था महाराष्ट्र के आम को, एक प्रजाति होती है अल्फांशो आम, वहाँ के बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और पूछे थे, तो आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आएगी। फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा कुछ लिटरल चीज़ें हैं जो आपके साथ में डिस्कस करना और साथ में कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पेपर एनालिसिस के कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है फ्रेंड मेरे वीडियो से हेल्प 40 से 50 क्वेश्चन, बाप रे इतना कैसे फंस गया। अभी मैं डिस्कस करता हूँ पीडीएफ मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पीडीएफ से ऊपर से। फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आपको रिसेंटली बताया था काफ़ी सारे वीडियो, 15 से 20 वीडियो, ज़्यादा नहीं 15 से 20 वीडियो आपको प्रोवाइड किया, प्लेलिस्ट अभी भी पड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि जो आपका युवा कल्याण अधिकारी का पेपर हुआ था सेम उसी पैटर्न को फॉलो करने वाला है और पूरी तरीके से पेपर वैसे ही है। आप देखोगे मेरे प्लेलिस्ट में अलंकार छंद रश और ये जो समास होते हैं इनसे एक भी वीडियो मैंने आपको नहीं दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही कम क्वेश्चन आने रहते हैं, वहाँ उसमें भी नहीं आते तो उनसे सिंगल एकाध दो क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन पूरे चारों चैप्टर से नहीं मिले। तो फ्रेंड्स जितना मैंने नियर अबाउट दिया है वीडियो से और पीडीएफ से बहुत सारी हेल्प हुई, बहुत सारे स्टूडेंट का थैंकफुल मैसेज भी आ रहा था, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट के रूप में, जो अगले वीडियो होगा मेरा उसमें जरूर दिखा देंगे क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का आ ही रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये सब्जेक्ट वाइज पूरे पैटर्न को कि कैसा कैसे था, मॉडरेट टू टफ था आपका रीजनिंग, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर ले गए थे लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन पे मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। टेस्ट सीरीज में जो चीज़ें प्रोवाइड की थी सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट कंक्लूजन थे, जो लोग ज्वाइन किए थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। और यहाँ से ये 30 क्वेश्चन मैक्सिमम, अगर बहुत ज़्यादा आपने किया होगा तो 30 to 35 क्वेश्चन किया होगा। मैथ्स में क्वेश्चन भी मॉडरेट टू टफ था, मीडियम टू टफ, और इसमें देख सकते हैं आपका कि 25 से 30 क्वेश्चन मैक्सिमम था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपने किया होगा क्योंकि लिटरल, तो क्योंकि कट ऑफ भी वैसे ही जाने वाली, परेशान ना होइएगा, अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसमें पूरी कट ऑफ को। जीएस जीके से इजी टू मॉडर क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको कर लेने लायक थे, तो 30+ क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे 40-40 तक भी करके आए हैं, लेकिन तुक्का नहीं मारना था आपको, 30 to 35 बहुत मैक्सिमम था ऐसे टाइप के पेपर में, क्योंकि पूरा ओवरऑल पेपर का जो पैटर्न था मॉडरेट टू टफ था। हिंदी आसान थी, हिंदी में 40 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने किया है, तो इसके अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कर दें 125 से 30-35 इतने ही आपके क्वेश्चन कर लेने लायक थे, या इतना ही क्वेश्चन का पूरा पैटर्न था फिलहाल। फ्रेंड्स अब फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ को। ऑलरेडी एग्जाम के पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपको पूरा टारगेट यही लेके चलना है, तो यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन की नॉर्मेलिटी हो सकती है, क्योंकि लगभग 1000 लोग से अभी मैं पूरा सर्वे कर चुका हूँ, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर मैं खुद अपेयर था तो बहुत सारे स्टूडेंट तो मुझे वहीं पर मिल गए थे, मतलब 250-300 जितने बच्चों ने, तो ज़्यादातर लोगों के जो अटैम्प्ट थे 130, 135, 120 इतने तक जा रहे थे, क्योंकि पेपर बहुत ही लेंदी था, मॉडरेट टू टफ था। लेकिन फ्रेंड्स सीट कम होने की जैसे आपकी कट ऑफ की पॉसिबिलिटी इससे कम नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहां से ध्यान देख लीजिए, जनरल की जो कट ऑफ होगी वो आपकी हो जाएगी 145 टू 150 क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ होगी 140 से 145 के बीच में, एससी की कट ऑफ जो 130 से 140 के बीच में। फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा गैप दिया है इसमें, वजह इनका बहुत ज़्यादा डिफर करता है, एसटी कैटेगरी का 125 से 135 के बीच में, और फीमेल जो कैंडिडेट्स होंगी उनके लिए कोई हर जनरल रिजर्वेशन इस वैकेंसी में नहीं है। फ्रेंड्स ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बहुत पहले ही बता दिए थे 140 से प्लस माइनस 5 हो सकता है। एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि बहुत बच्चे अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर रखे बता रहे थे जब मैं स्टार्टिंग में इसका कट ऑफ दिया था, तो जूनियर असिस्टेंट वगैरह के लिए फ्रेंड्स देखो उसके लिए सीट बहुत कम है, इसलिए उसकी कट ऑफ की संभावना इससे ज़्यादा ही जा सकती है, क्योंकि 10, 20, 50 ऐसे पर्टिकुलरली कैटेगरी वाइज है, तो उसमें अभी टाइपिंग वगैरह है तो इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो आप इसी को पूरी बेस मांग के चलिए। और अभी आपके आंसर के कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं पूरी एनालिसिस। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो तो जरूर टाइप के करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।